दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बर्जर पेंट के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसको आप अगर 25 साल के लिए होल्ड कर देते हैं तो इसका टारगेट 2000 रुपया पर शेयर दोस्तों हो जाएगा। इसका जो प्राइस चल रहा है दोस्तों अभी केवल और केवल चल रहा है जो 549 रुपया, इसका प्राइस दोस्तों चल रहा है। लॉन्ग टर्म में बताऊँगा कंपनी का सेल्स क्या होने वाला है, कंपनी में कितने लोगों ने इन्वेस्ट कर चुका है, FII DII प्रमोटर होल्डिंग कंपनी का कितना है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस कंपनी के जो फाउंडर थे उनका नाम था लुइस बर्जर। दोस्तों हाँ, इसका मैं फोटो दिखा रहा हूँ। इस कंपनी के फाउंडर थे लुइस बर्जर, मिस्टर लुइस बर्जर जिनके फाउंडर थे। इन्होंने बर्जर पेंट का फाउंड दोस्तों किया हुआ था। दोस्तों आइए दिखाता हूँ स्क्रीनर पर कंपनी का सेल्स, कंपनी का मार्केट कैप क्या है दोस्तों। तो आइए देखिए दोस्तों, कंपनी का जो मार्केट कैप है आप देख सकते हैं, कंपनी का मार्केट कैप करीब 53,306 करोड़, कंपनी का मार्केट कैप है 53,306 करोड़। मतलब कंपनी मिडिल है, शॉर्ट मिडिल और मल्टी बैगर, तीन किस्म की कंपनी होती है दोस्तों, ये मिडिल में आती है। करंट प्राइस का केवल चल रहा है 549 रुपया, जो कि मैंने बता दिया है। कंपनी ने हाई बनाया है 749 का, कंपनी ने एक साल का लो बनाया है 544 रुपये, कंपनी ने एक साल का दोस्तों लो बनाया। कंपनी का जो ROCE है दोस्तों देखिए बहुत ही बेटर है, बेस्ट है, एक्सलेंट मैं कहूँगा। कंपनी का ROCE एकदम एग्जैक्ट 25.9% कंपनी का ROCE है, जो कि एकदम होना चाहिए। कंपनी का ROE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉय, अगर रिटर्न ऑन इम्प्लॉय 22.5% कंपनी का ROE है। कंपनी का फेस वैल्यू केवल और केवल दोस्तों कंपनी का फेस वैल्यू केवल 1 रुपया, कंपनी ने डिविडेंड दिया है 0.56% का। तो कंपनी ने 0.5% का डिविडेंड अब तक अपने शेयर होल्डर को दिया हुआ दोस्तों। देखिए कंपनी ने प्रॉफिट में है, इसलिए कंपनी अपने शेयर होल्डर को लगातार डिविडेंड दोस्तों दे रही है। आगे देखिए दोस्तों, शॉर्ट में दिखाऊंगा आपको, वीडियो को स्किप मत करिए दोस्तों, इसको शॉर्ट में देखिए। देखिए दोस्तों यहां पर दिखा रहा हूं मैं कंपनी का जो कंपनी हैज, एक मिनट लूंगा। हाँ यहां देखिए दोस्तों, यहां लिखा हुआ है क्या, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 35.5%। कंपनी ने अब तक का हेल्दी डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर को, 35.5% का एक हेल्दी डिविडेंड दोस्तों दिया हुआ। कंपनी इज ट्रेडिंग 30 times इट्स बुक वैल्यू, मतलब कंपनी अपने बुक वैल्यू से 13 गुना ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहा है। मतलब इसमें लोग हद से ज़्यादा पैसा लगा चुके हैं दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ है कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। आगे देखिए दोस्तों, आगे मैं दिखाता हूँ आप कंपनी का सेल्स पे चलता हूँ, कंपनी का सेल्स क्या है। देखिए दोस्तों कंपनी का जो सेल्स है, हाँ ये कंपनी का सेल्स देख सकते हैं, कंपनी का जो सेल्स है मैं दो दिखा दूंगा। कंपनी का सेल्स 2011 में, कंपनी का सेल्स 2011 में 2,263 करोड़ था, वही अब 2022 में जो कंपनी का सेल्स हो चुका है 8,762 करोड़, कंपनी का सेल्स हो चुका है लगभग 4 गुना, 4.5 गुना कंपनी का सेल्स दोस्तों हो चुका है। यहाँ देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए परसेंट, ये बढ़ना चाहिए, जो कि 11% था यहाँ पर 2011 में, ठीक उसी प्रकार कंपनी का बढ़ चुका है 15%। किस प्रकार कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों बढ़ा है आप देख सकते हैं, किस प्रकार कंपनी का सेल्स जो है, कंपनी का सेल्स उसी प्रकार कंपनी का सेल्स भी दोस्तों बढ़ा है। आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स किस प्रकार यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है। द कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, एक ग्रोइंग कंपनी में एक उसकी खासियत क्या होती है, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस प्रकार दोस्तों यहाँ पर बढ़ा है। आगे देखिए दोस्तों कंपनी का दिखाता हूँ मैं, देखिए दोस्तों यहाँ दिखा रहा है कंपनी अदर इनकम भी कंपनी के पास है। तो कंपनी अदर इनकम देखिए, कंपनी अदर इनकम 30 करोड़ था यहाँ पर, कंपनी का अदर की इनकम 68 करोड़ के आसपास कंपनी का अदर इनकम हो चुका है। कंपनी का इनकम अदर सोर्स से भी यहाँ पर कंपनी इनकम कमा रही है दोस्तों। आगे देखिए, ये देखिए दोस्तों कंपनी का दिखा रहा है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 10 साल का, यहाँ देखिए किस प्रकार था, 12%, 14% और 3 साल का दिखा रहा है 13% कंपनी का जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है दोस्तों। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कंपनी का जो यहाँ पर है, किस प्रकार कंपनी का यहाँ पर देख सकते हैं कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ किस प्रकार बढ़ा है 16, 14, 19%, जो कि 3 साल में दिखा रहा है यहाँ पर कंपनी का जो इस प्रकार दोस्तों बढ़ा है। आगे देखिए दोस्तों, अब मैं दिखा रहा हूँ कंपनी का, देखिए दोस्तों कंपनी का देखिए रिजर्व, मैंने बताया ना कंपनी पास रिजर्व होता है, जो कंपनी होती है जो
भविष्य में ग्रो करने वाली, इसके पास रिजर्व बहुत जबरदस्त होता है। देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व कितना है, मतलब जो कंपनी के पास 620 करोड़ का रिजर्व 2011 में था, 2011 में वो रिजर्व 3830 करोड़ कंपनी का रिजर्व अब जाके हो चुका है। कंपनी का लायबिलिटी बोरोइंग बढ़ा है, यहाँ से कंपनी का जो बोरोइंग था कर्जा 330 करोड़ का था, वही 1000 करोड़ कंपनी का यहाँ पर जो कर्ज है, कंपनी का कर्ज भी यहाँ पर दोस्तों बढ़ा है, आप देख सकते हैं। ये वीडियो केवल लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों, आई मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट आपका कंपनी में शेयर होल्डर पैटर्न क्या है। देखिए ये मेन है शेयर होल्डर पैटर्न दिखा दिए, कंपनी का जो शेयर होल्डर पैटर्न है देख सकते हैं, प्रमोटर होल्डिंग कंपनी का जो दिखा रहा है अभी, ये देखिए 75% कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग हो चुका है। अच्छी कंपनी में कम से कम 55% प्लस होना चाहिए, यहाँ पर 75% कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग है। इसके अलावा FII होल्डिंग यहाँ देख सकते हैं 11% FII होल्डिंग है कंपनी का। देखिए DII होल्डिंग मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर का जो होल्डिंग है 2.90 मतलब 3% कंपनी का यहाँ। इसके अलावा कंपनी में पब्लिक होल्डिंग केवल और केवल दोस्तों यहाँ पर 11% देख सकते हैं, 11% के आसपास कंपनी का केवल और केवल पब्लिक होल्डिंग है दोस्तों। तो ये जो वीडियो लॉन्ग टर्म के लिए था, इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ कंपनी ने अब तक कितना इंटरेस्ट बनाकर दे चुका है दोस्तों। देखिए मैं पहले से यहाँ ग्रो खोला हुआ था, देखिए दोस्तों कंपनी का जो अब तक का ग्राफ देखिए किस प्रकार ग्राफ हाई बनाया है दोस्तों। देखिए कंपनी का ग्राफ देखिए किस प्रकार कंपनी ने अब तक हाई बनाया है, एकदम लगातार यहाँ दिखा रहा है कंपनी ने हाई ही बनाया है, ये रहा कंपनी का हाई। अब ये देखिए इसके अलावा कंपनी का अब तक का रिटर्न देखिए, ये देखिए दोस्तों कंपनी का अब तक का रिटर्न 23,358% का रिटर्न अब तक हो चुका है दोस्तों। फिर से देखिए कंपनी का रिटर्न यहाँ पर 23,358% का रिटर्न अब तक आज तक कंपनी रिटर्न बनाकर अपने शेयर होल्डर को दिया है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों देखिए आप मेरा एरो देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए मेरा एरो कंपनी का प्राइस दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कंपनी का प्राइस करीब 2004 में आप देख सकते हैं इस एरो के पास, कंपनी का प्राइस 2004 में करीब 5.5 रुपये के आसपास था। 2004 में बर्जर पेंट का प्राइस केवल 5.5 रुपये था, वो बर्जर पेंट आज आप देख सकते हैं 548 रुपये कंपनी का प्राइस चल रहा है, करेंट प्राइस चल रहा है। तो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा।